दोस्तों भारतीय बाजार में मारुति सुजुकी के बाद सबसे ज्यादा कारें बेचने वाली साउथ कोरियाई कंपनी ह्युंडई अचानक विवादों में घिर गई। दरअसल ह्युंडई पाकिस्तान के नाम से एक ट्विटर हैंडल से शनिवार को एक पोस्ट किया गया था। उस पोस्ट में कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के पक्ष में लिखा गया था। हालांकि वो ट्विटर हैंडल वेरीफाइड नहीं है, लेकिन वह पोस्ट सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो गई। भारतीय यूजरों को यह ठीक नहीं लगा और ट्विटर से लेकर गूगल और अन्य सोशल मीडिया पर #boycottHyundai ट्रेंड होने लगा। इसके बाद कंपनी ने बयान जारी कर यह सफाई दी थी। गाइस, आपके इस पोस्ट के बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे ही अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी, तो चलिए आज श्री कृष्ण के बारे में एक तथ्य जानते हैं। ये तो आपने सभी ने सुना होगा कि श्री कृष्ण भगवान की 16,108 रानियां थी, और शायद इसी तर्क पर कई लोग हिंदू धर्म में एक से अधिक शादी को सही ठहराते हैं, लेकिन इसके पीछे की वजह कुछ और ही थी। दरअसल ये बात है उस समय की, जब एक नरकासुर नाम का राक्षस राजा राज्य की सुंदर स्त्रियों का अपहरण करके उन्हें कैद कर लेता था। और जब ये बात श्री कृष्ण भगवान को पता चली तो उन्होंने राक्षस का वध कर दिया और सभी स्त्रियों को मुक्त करा दिया। लेकिन जब वो सारी स्त्रियां अपने घर लौटी तो उनके पति और पिता दोनों ने ही उन्हें स्वीकार करने से मना कर दिया। इससे दुखी होकर सारी स्त्रियां रोती बिलखती श्री कृष्ण के पास अपनी फरियाद लेकर पहुंची, और तब श्री कृष्ण ने सभी को अधिकार दिया कि पहचान पूछे जाने पर वो खुद को श्री कृष्ण भगवान की पत्नी बता सकती हैं। गाइस, श्री कृष्ण ने यह सिर्फ इसलिए किया ताकि वो हजारों महिलाओं को अनाथ और बेसहारा होने से बचा सके। वैसे गाइस, A2 फैमिली की तरफ से आप सभी को हैप्पी जन्माष्टमी, राधे राधे।